हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ये 2 4 डिजिट के नंबर्स दिए गए हैं, जहाँ प्रत्येक लेटर डिफरेंट डिजिट्स जो कि ग्रेटर देन 3 हैं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि इन 2 नंबर्स का सम 15,902 है, तब हमें डिजिट ए एंड डी के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में 2 नंबर्स A3BC एंड DE2F दिए गए हैं। इस फर्स्ट नंबर में डिजिट सी यूनिट प्लेस पर, B 10s, C 100 एंड A 1000 प्लेस पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक लेटर जो कि डिफरेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेटर देन 3 हैं। इसलिए डिजिट से बी सी डी ई एंड एफ की वैल्यूज 4 5 6 7 8 9 में से ही होंगी। इन दोनों नंबर्स का सम 15,902 है। इस समेशन के रिजल्ट में यूनिट डिजिट से क्लियर हो रहा है कि डिजिट सी एंड एफ के समेशन का चाहे जो भी रिजल्ट आए उसकी यूनिट डिजिट 2 ही होगी। इसके लिए सी एंड एफ की वैल्यू 4 एंड 8 का एक कम्बिनेशन हो सकता है और दूसरा कम्बिनेशन 5 एंड 7 का। अब हम यहाँ पर 4 एंड 8 का एक कम्बिनेशन लेने जा रहे हैं। सी की वैल्यू हम 4 एंड F 8 ले रहे हैं। अब 4 एंड 8 12 हो जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट यहाँ पर एंड कैरी का 1 यहाँ लिख रहे हैं। अब इनमें से 4 एंड 8 को छोड़कर बी की हमें एक ऐसी वैल्यू लेना होगा जिससे कि इनके समेशन का रिजल्ट चाहे जो भी आए उसकी यूनिट डिजिट 0 हो। हम यहाँ पर बी की वैल्यू 4 एंड 8 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि C 4 एंड F 8 ऑलरेडी लिया जा चुका है, क्योंकि हमें प्रत्येक लेटर के डिजिट्स डिफरेंट रखना है। इसलिए बची हुई डिजिट्स में से बी की वैल्यू हमें 7 लेना होगा, जिससे कि 1 प्लस 7 प्लस 2 10 आ जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 0 है और 10 के कैरी का 1 यहाँ लिख रहे हैं। अब 1 प्लस 3 प्लस ई हमें 9 लाना है, इसलिए ई 5 लेना होगा। अब फाइनली हमें डिजिट ए एंड डी के समेशन का रिजल्ट 15 लाना है। इसके लिए इनमें से बची हुई 2 डिजिट्स 6 एंड 9 हो जाएंगी। यहाँ पर हम इन 2 डिजिट्स में से किसी की भी वैल्यू 6 या फिर 9 ले सकते हैं। इसलिए इनका डिफरेंस 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।